गाड़ी का टायर फटने से हुआ हादसा, दो दोस्तों की मौत व तीन गंभीर। मृतक कर्ण माता पिता का था, इकलौता बेटा। भिवानी के जमालपुर तोशाम रोड पर हुए सड़क हादसे में गांव जमालपुर निवासी 23 वर्षीय सावन और 20 वर्षीय कर्ण मलिक की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक कर्ण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जबकि सावन कुमार की करीब 2.5 साल पहले ही शादी हुई थी। जाट व एससी चेहरों के बीच फंसा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पद, चुनाव के बाद कई जिलाध्यक्ष बदलने तय। हरियाणा में मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही प्रदेशाध्यक्ष की कमान है। फिलहाल भाजपा ये तय करने में जुटी है कि वह जाट चेहरे पर दांव खेले या फिर एससी चेहरे पर। वैसे पिछले 10 साल भाजपा की परंपरा रही है कि गैर जाट सीएम रहा है और जाट नेता के हाथ में संगठन की कमान रही है। अस्पताल में दो पक्षों में जमकर चले पत्थर व लाठी डंडे, चिकित्सक व कर्मचारी कमरे में घुसे, बचाई जान। नारनौल का रहने वाला व्यक्ति उपचार के लिए अस्पताल आया था, जब घायल पक्ष अस्पताल में पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस मामले में अस्पताल के कर्मचारी भी घायल होते होते बाल बाल बचे हैं। सीएम नायब सैनी का ऐलान, पीएम आवास योजना से अलग मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करेंगे। हरियाणा में प्लॉट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीएम बोले कि प्लॉट के साथ रजिस्ट्री देनी चाहिए थी, चक्कर कटवाने वालों के चुनाव में चक्री कटवा देना। 7,755 लाभार्थियों को सीएम नायब सैनी ने सोनीपत में प्लॉट आवंटन पत्र बांटे। रोहतक, सोनीपत, पानीपत व करनाल के 2,690 बीपीएल पात्र लाभान्वित हुए। संघ से दूरी भाजपा को पड़ी भारी, इन उम्मीदवारों से असहमत था आरएसएस। बीजेपी ने किसी फैसले में नहीं ली सलाह। उत्तर प्रदेश में भाजपा को संघ से दूरी भारी पड़ गई। जिलों में ना तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखी और ना ही डैमेज कंट्रोल के लिए बैठकें हुई। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया, लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेटे रखा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, अब नया घरेलू कनेक्शन लेना होगा महंगा, ये ग्राहक भी होंगे प्रभावित। उत्तर प्रदेश में अब घरेलू के लिए 44 तो उद्योगों के लिए 100 तक का नया बिजली कनेक्शन महंगा हो सकता है। पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। उपभोक्ता परिषद ने बढ़ोतरी पर विरोध जताया है। अभी और जलेगी राजधानी दिल्ली में, आज लू का अलर्ट, अगले 2 दिन रहेगा ऐसा मौसम। मौसम विभाग ने दिल्ली में 13 जून यानी कि 2 दिन का लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा। आपको बता दें कि सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, दिल्ली के नरेला में 46 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा था। मूनक नहर का 18% पानी चोरी, 40% पाइप के रिसाव से हो रहा बर्बाद। उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से बताया गया कि अकेले मूनक नहर में हरियाणा से पानी का करीब 18% दिल्ली नहीं पहुंच रहा है। वहीं दिल्ली में जल बोर्ड की पाइपलाइन में लीकेज से करीब 40% पानी बेकार हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को लो स्कोरिंग मैच में हराकर किया शर्मसार, टीम इंडिया का तोड़ डाला बड़ा रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 के 20वें मैच में बांग्लादेश को 4 रन से मात देकर इतिहास रच दिया। न्यूयॉर्क में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 113 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 109 रन बना सकी। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनेंगे कनाडा के गेंदबाज, न्यूयॉर्क के पिच पर रहेंगी नजरें। भारतीय टीम से मात खाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने अगले मैच में कनाडा के खिलाफ उतरेगी। पाकिस्तान ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में जीत का खाता नहीं खोला है। कनाडा के खिलाफ बाबर आजम की सेना अपना खाता खोलना चाहेगी।